हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आपको होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम लेके आए क्लास ट्वेल्थ का। आज का क्वेश्चन सबसे हटके है क्योंकि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन सबसे यूनिक है, लेकिन है सेम, थोड़ा सा यूनिक है। हम अभी तक जितना भी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे सभी वाई अपॉन एक्स के रूप में था, लेकिन आज का क्वेश्चन देखा जाए एक्स अपॉन वाई है। तो कैसे बनाते हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, तो देखो इस क्वेश्चन में एक्स ऊपर है और वाई नीचे है, तो सिंपल सा टेक्निक है। इससे पहले डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, इस क्वेश्चन में डी एक्स अपॉन डी वाई करेंगे। क्लियर है ना, तो किया जाए तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, वन प्लस ई पर पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स। हम उसको उधर लेके चलते हैं, ये प्लस है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ई पर पावर एक्स अपॉन वाई, वन माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई इक्वल डी जी इक्वल ज़ीरो। ठीक है, देखिए हम होमोजेनियस के लिए करते क्या थे कि डी वाई बाई डी एक्स एक साइड और बाकी एक साइड, लेकिन यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे डी एक्स अपॉन डी वाई। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि जब एक्स अपॉन वाई के रूप में रहे ना एक्सपोनेंशियल पर, तो हम डी एक्स बटे डी वाई लेके चलते हैं। क्लियर है, तो किया जाए तो ये हो गया इधर डी एक्स, ले आओ इधर, तो ये हो गया डी वाई, सॉरी यहाँ ज़ीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ y रहेगा, dy रहेगा। ठीक है, तो dx अपॉन dy, क्लियर है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, उधर क्या है, माइनस e पर पावर x अपॉन y इंटू वन माइनस x अपॉन y, ठीक है, अपॉन वन प्लस e पर पावर x अपॉन y। इसको आप फर्स्ट मान लें। सबसे पहले हम ये करते क्या है, हम पहले ये दिखाते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं। तो करते क्या थे, इन सारे फंक्शन को हम मान लेते थे लैम्डा, सॉरी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ऐसा मानते थे, और क्या कहते थे, बराबर में माइनस ई पर पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वन प्लस e पर पावर x अपॉन वाई। यहाँ तक क्लियर हुआ, अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे कि जहाँ x है वहाँ लेमडा x, जहाँ y है वहाँ लेमडा y करेंगे। ठीक है, तो किया जाए तो हम f ऑफ लेमडा x लेमडा y करेंगे इक्वल, ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लेमडा x करेंगे और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ लेमडा y करेंगे। तो लिखा क्या है, माइनस e पर पावर x अपॉन y, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, हाँ तो किया जाए माइनस e, x की जगह हम लेमडा x रखेंगे, y की जगह लेमडा y रखेंगे, इंटू में आपका है वन माइनस x अपॉन y, वन माइनस लेमडा एक्स अपॉन लेमडा वाई अपॉन, फिर क्या है, वन प्लस ई पर पावर एक्स अपॉन वाई, वन प्लस ई पर पावर यहाँ पर लेमडा एक्स लिखेंगे, वाई की जगह लेमडा वाई लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो लेमडा लेमडा कैंसिल, कैंसिल कर दिए हम, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, सर लेमडा तो बचा ही नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं लेमडा पर पावर ज़ीरो, क्योंकि लेमडा है ही नहीं, तो लेमडा पर पावर ज़ीरो लिख सकते हैं क्योंकि उसका मान वन होता है, तो बचा क्या, माइनस ई पर पावर एक्स अपॉन वाई इंटू वन माइनस एक्स अपॉन वाई अपॉन वन प्लस ई पर पावर एक्स अपॉन वाई। देखिए तो ये हुआ आपका लेमडा पर पावर ज़ीरो, और ये पूरा फॉर्म किस रूप में है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। हमने क्या लेके चला था, हमने लेके चला था एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, और मेरा क्या आ गया, लेमडा पर पावर ज़ीरो इंटू एफ ऑफ एक्स वाई।
क्लियर है। जब ऐसा रूप दिखे तो तुरंत हम कह देंगे कि ये फंक्शन होमोजीनियस है। क्या है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर लैम्डा पर पावर जीरो है तो बोल देंगे ये ऑर्डर कितना का है, जीरो। ठीक है, इस क्वेश्चन का आधा पार्ट फिनिश हो गया। अब हमें सॉल्व करना है कि ये होमोजीनियस कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले हम y बराबर वी एक्स लेके चलते थे, लेकिन यहाँ पर x अपन y होने के कारण यहाँ पर हम y की जगह वी, y की जगह x और x की जगह y, इसका मतलब पुटिंग करेंगे x इक्वल वी वाई। ठीक है, इससे पहले क्या करते थे, y बराबर वी एक्स, लेकिन यहाँ पर x इक्वल वी वाई। अब यहाँ कारण है कि सर आप ऐसा क्यों किए। देखिए, जब x बराबर वी वाई अगर पुट करते हैं तो y y कैंसिल हो जाता है, इस कारण से x बराबर हम वी वाई लेके चलते हैं। हाँ, जब y बराबर वी एक्स लेके चलते थे तो दोनों साइड हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते थे। अब हम करेंगे इसको y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, तो लिख देते हैं ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो लिखा जाए तो हो जाएगा क्या चीज, x का डिफ्रेंशिएशन dx dy, y के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। ठीक है, तो किया जाए पहला फंक्शन तो भी हो जाएगा, और y का डिफ्रेंशिएशन 1, फिर y आगे आएगा और v का dv अपॉन dy। ठीक है, अब यहाँ पर देखो dx अपॉन dy क्या है, dx अपॉन dy आपका दिख रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर तो माइनस e पर पावर x अपॉन y। ठीक है, लिखा जाए माइनस e पर पावर x अपॉन y, और x की जगह हमने क्या रखा था, वी वाई, अब पहले से नीचे क्या है y, फिर 1 माइनस x अपॉन y है था, तो हम यहाँ लिख देते हैं वी वाई अपॉन y, और नीचे था आई थिंक हम देख लेते हैं क्या था नीचे, हाँ 1 प्लस, देखो 1 माइनस x अपॉन y था हमने रख दिया, अब 1 प्लस e पर पावर x अपॉन y, तो लिखा जाए 1 प्लस ई पर x, x की जगह वी वाई और नीचे है y। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई। क्लियर है ना, करना सब वही है, बस x की जगह रिप्लेस कर देना है वी वाई। ठीक है, तो देखो ये और ये तो कैंसिल हो गया, ये और ये भी कैंसिल, ये और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या, माइनस e पर पावर भी 1 माइनस भी अपॉन 1 प्लस e पर पावर भी। अब ऐसा करें क्या करें सर, वो भी है ना बराबर में, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ले आओ माइनस भी इक्वल y डी वी अपॉन डी वाई, सॉरी dx लिखने का आदत हो गया ना, इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ऐसा करो LCM ले लो, 1 प्लस ई पर पावर भी, ये तो सेम रहेगा तो यहाँ हो जाए, अच्छा ब्रेक कर देते हैं तो हो जाएगा माइनस ई भी माइनस माइनस प्लस ई भी इंटू भी, चलो एलसीएम उधर गुना होगा तो माइनस भी को 1 के साथ तो माइनस भी, और ये हो जाएगा माइनस भी ई भी, इधर क्या है वाई डी भी अपॉन डी वाई। अब क्या करना है, देखो तो भी इंटू ई भी, भी इंटू ई भी, ये माइनस में और ये प्लस में, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या माइनस ई भी माइनस भी, तो ऐसा करते हैं क्या माइनस कॉमन ले लेते हैं, जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच के जाएगा ई भी और प्लस भी, अब पहले से 1 प्लस ई भी नीचे देख लिया जाए 1 प्लस ई भी, उधर क्या है वाई डी भी बाय डी वाई, वाई डी भी बाय डी वाई। अब क्या करें, अब करना कुछ नहीं है, अब आपको वेरिएबल और सेपरेबल कर देना है। क्लियर है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो dy अपॉन
वाई, उधर डी वी चले जाओ उधर लेके, वन प्लस ई वी डी वी अपॉन ई वी प्लस वी, यहाँ पर यहाँ भी माइनस लिख देते हैं, लिख दिए ना। अब क्या करें बताओ, जल्दी लिखना है जल्दी, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्लियर है। तो दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बाय वाई, माइनस तो बाहर भी रख देते हैं, वन प्लस ई वी अपॉन ई वी प्लस वी डी वी। अच्छा वो काम करते हैं क्या सर, देखो तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना तो ऊपर वाला आएगा कैसे, ई वी का डिफ्रेंसिएशन ई वी, वी का डिफ्रेंसिएशन वन, जब ऐसा आने लगता है ना तो वन प्लस ई वी को हम इस रूप में डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो बोलो कैसे लिखेंगे, डी ऑफ ई वी प्लस वी, तुम करके देखो ना, ई वी का डिफ्रेंसिएशन ई वी, वी का वन, और पहले से नीचे क्या है ई वी प्लस वी। अब देखो तो d के बाद y, नीचे भी y, तो क्या हो जाएगा log y, सही है। देखो d के बाद जो ev प्लस v है वो भी नीचे ही है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log of ev प्लस v। देखिए तो इंटीग्रेशन करने के बाद सारे log में है, तो कांस्टेंट भी log में देना है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log c। और हमने तो पिछले क्लास में वीडियो में बताया था कि लॉग प्लस में रहता है तो इनटू में लिखते हैं, और जब माइनस में रहता है तो भाग में लिखते हैं, लेकिन यह प्लस में है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, लॉग ऑफ ई वी प्लस वी इनटू सी, लॉग लॉग आइडेंटिटी है तो हम इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा वाई इक्वल क्या आ जाएगा, ई वी प्लस वी इंटू सी। अब क्या करना है y, देखो हमने आपको बताया था कि x बराबर रखना है भी y, तो बोलो भी बराबर क्या बोलेंगे, x अपॉन y, तो e भी की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन y प्लस भी की जगह क्या लिखेंगे, x अपॉन y इंटू सी। यहाँ तक क्लियर है। अब चाहो तो थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हो, y को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे ये भी आंसर होगा, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हो, वाई स्क्वायर यहाँ हो जाएगा y इंटू ई पर पावर x अपॉन y प्लस x इंटू सी, ऐसा भी आप लिख सकते हो, y स्क्वायर अपॉन y e पर पावर x अपॉन y प्लस x इक्वल सी। ये है गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन। तो एन सी आर टी के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन यूनिक था, तो श्योर है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह हम डेली आपको वीडियो देते रहेंगे, प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास भेजें, ताकि उसको भी मेरा प्रयास ये अच्छा रहेगा लगेगा। और आपको अगर ये प्रयास अच्छा लगता है कि हम रोज़ आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आगे से आगे बढ़ाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।